हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में अगेन वी आर टेकिंग अनदर PYQs ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसमें हम लोग जो बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन की, तो ये आपको और बता दूं, मैं हमारा इंस्टीट्यूट शुरू हो चुका है UGC नेट का ऑफलाइन बैचिंग। अगर आप पेपर वन UGC नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग में इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू इंश्योर सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम, बोथ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्कोर्स हैव टू बी सिंथेसाइज्ड। अब देखो, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट होता है, हम बेस्ड ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया के भाई 40% अगर बच्चा ले आता है तो वो पास हो जाएगा, तो एक क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया। जबकि नॉर्म में हम लोग उनको रैंक देते हैं, परसेंटाइल, परसेंटाइल स्कोर में हम कैलकुलेट करते हैं, रैंकिंग करते हैं कि ये पहले नंबर पे आए, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो कह रहा है कि क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट दोनों टेस्ट किए जाने चाहिए ताकि हम बच्चे की ट्रूली हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, उसके स्कोर्स को समझ पाए, उसका लेवल क्या है दोनों से, क्राइटेरिया रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस। सेकेंड रीजन दिया हुआ है, पेरेंट्स एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स देमसेल्फ नीड टू नो द स्टेटस ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट इन टर्म्स ऑफ लेट डाउन क्राइटेरिया रिलेटिव पोजिशन। कह रहे हैं क्राइटेरिया के हिसाब से भी और उनकी रिलेटिव पोजिशन के हिसाब से स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की क्राइटेरिया के हिसाब से भी पता चले वो कितना परफॉर्म कर रहा है, और नॉर्म यानी कि अपने और स्टूडेंट के कंपैरिजन में उसकी भी कंपैरिजन किया जा सके। तो जी, एसर्शन तो सही है, रीजन भी सही है। क्या एसर्शन रीजन है, क्या एसर्शन सही रीजन है? ठीक है, अब एक बार देखते हैं कि वेदर दे आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। ठीक है, टू इंश्योर सक्सेसफुल टीचिंग एंड लर्निंग बोथ क्राइटेरिया, दिस इज बिकॉज, अब हमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज बिकॉज आपको लगाना है दोनों स्टेटमेंट के बीच में, तो लगा के देखते हैं। टू इंश्योर सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम बोथ नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट शुड बी यूज, दिस इज बिकॉज पेरेंट एजुकेशन दिस इज बिकॉज पेरेंट्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स देमसेल्फ नीड टू नो स्टेटस ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट इन टर्म्स ऑफ लेट डाउन क्राइटेरिया रिलेटिव पोजिशन एक्सेट्रा। तो भाई दोनों का रीजन है, दोनों के बीच में कनेक्शन बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की बात कर रही है। एक कह रहा है कि क्राइटेरिया नॉर्म रेफरेंस दोनों होना चाहिए बिकॉज पेरेंट्स भी चाहते हैं, एजुकेशनल सिस्टम भी चाहता है, स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं अपनी रिलेटिव पोजिशन। तो भाई ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, सो दोनों ही ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हमारी ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। आई होप अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप लोग और ऐसी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो प्लीज, मैं डेली वीडियोज डालता हूँ तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।